देखो बेटा, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इज आर डिपेंडेंट ऑन थीटा एंड फाई। तो बेसिकली ऑर्बिटल का जो थीटा और फाई है वो एंगल्स हैं, तो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट एंगुलर फंक्शन ऑफ द ऑर्बिटल। सो किस किस ऑर्बिटल का जो एंगुलर फंक्शन है वो थीटा और फाई दोनों पे डिपेंड करता है। हाँ, आप सुनो, इफ दिस थीटा एंड फाई इज नॉट स्पेसिफाइड तब भी ये क्वेश्चन आ सकता है। मैंने बेसिकली यहाँ स्पेसिफाई कर दिया कि जो थीटा है दैट इज द एंगल बिटवीन जेड एक्सिस एंड रेडियल वेक्टर, एंड फाई इज द एंगल बिटवीन आर साइन थीटा एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, और ऑर्बिटल्स अवेलेबल है एस पी एक्स पी वाई पी जेड डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, मतलब सारे एस पी डी जितने भी टाइप के ऑर्बिटल है उनमें से आपको ये बताना है कि कितने फंक्शंस, कितने ऑर्बिटल्स ऐसे हैं इनमें से जिनका थीटा और फाई दोनों पे डिपेंड करता है एंगुलर फंक्शन। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो जरा इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा, देखो आप कभी नहीं भूलोगे, देखो किस तरीके से करेंगे बेटा। जो एंगुलर फंक्शन होता है, एक रेडियल फंक्शन होता है और एक एंगुलर फंक्शन, ठीक है, तो एंगुलर फंक्शन की जो वैल्यू हमें मिलेगी आफ्टर सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन, तो जो एस आता है, एक्चुअली मैं इसके पहले देखो जो स्टैंडर्ड जो हमें नोटिफिकेशन अज्यूम करने होते हैं वो क्या होते हैं, देखो दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। ठीक है, क्या माना मैंने, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। नाउ इफ वी आर हैविंग अ पॉइंट इन 3D, कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इज एक्स वाई जेड। ठीक है, और ये एक 3D में यहाँ कहीं पॉइंट होगा, उसको ओरिजिन से मिला दिया आपने। ठीक है, तो ओरिजिन से जब उसको मिलाते हैं तो जो वेक्टर बनता है उसको बोलते हैं रेडियल वेक्टर, दैट इज आर। और रेडियल वेक्टर का एंगल हमेशा, रेडियल वेक्टर का एंगल जेड एक्सिस से हमेशा थीटा होता है, ये दिया हो या ना दिया हो ये आपको अज्यूम करना है। वैसे जेई देगा, बट अगर नहीं दिया है तो हमें इसको थीटा लेना होता है। अब देखो ये इस तरीके का सिचुएशन है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस एंड वी आर हैविंग दिस रेडियल वेक्टर। तो इस रेडियल वेक्टर का एंगल जेड एक्सिस से कितना है, थीटा। सो दिस फंक्शन, दिस वेक्टर विल बी, इसको दो पार्ट में अगर स्प्लिट करेंगे तो दिस विल बी आर कॉस थीटा एंड इसका एक इस इसमें प्रोजेक्शन आएगा एक्स वाई प्लेन में, दिस वेक्टर विल बी आर साइन थीटा। तो इसको मैंने दो पार्ट में कंपोनेंट में कन्वर्ट कर, दिस वेक्टर विल बी आर साइन थीटा एंड दिस वेक्टर विल बी आर कॉस थीटा। तो यहां तक कोई तकलीफ किसी को? नहीं सर। उसके बाद आर साइन थीटा का जो वेक्टर होता है वो एक्स एक्सिस के साथ फाई होता है। अब इसका अगर इसमें प्रोजेक्शन लोगे एक्स एक्सिस में, सो दिस वेक्टर विल बिकम आर साइन थीटा कॉस फाई एंड दिस विल बिकम ये वाला, इसका इस साइड कंपोनेंट अगर लोगे तो आर साइन थीटा साइन फाई। तो यहां तक कोई डाउट बोलो। नो सर। सो बेसिकली व्हाट वी विल हैव, द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी आर साइन थीटा कॉस फाई एंड वैल्यू ऑफ वाई विल बी आर साइन थीटा साइन फाई। क्लियर है? एंड द वैल्यू ऑफ जेड विल बी आर कॉस थीटा। बेटा यहां तक किसी कोई डाउट? नहीं सर। अब देखो जरा श्रोडिंगर में क्या क्या हमें, देखो ये शायद आपको मालूम होगा, वी कैन नॉट सॉल्व श्रोडिंगर इक्वेशन बाय ओन। हमें इतनी मैथमेटिक्स नहीं आती है कि हम उसको सॉल्व कर पाए, ठीक है, या उस लेवल का डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। बट देखो जरा, जब सॉल्व करके उन ऑर्बिटल्स के अगर आप फंक्शंस को आप अगर देखो, अवेलेबल तो है मार्केट में, अगर आप वो देखोगे तो देखो जरा कितना सुंदर सिमेट्री मिलती है एस ऑर्बिटल।
बताओ बेटा इसमें क्या एक्स वाई जेड कुछ आ रहा है? बोलो, एस ऑर्बिटल में एक्स वाई जेड हम कुछ नहीं लिखते हैं ना, बिकॉज वो स्फेरिकल है, वो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब दिस इज इंडिपेंडेंट ऑन एक्स वाई जेड। इट मींस आर थीटा एंड फाई इंडिपेंडेंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दीज इक्वेशन, एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू आई है। तो बेसिकली व्हाट वी कैन से कि जो एस होता है वो थीटा एंड फाई इंडिपेंडेंट होता है। ये बात समझ आ गई सबको? आप अगर किसी भी एस ऑर्बिटल का अगर एंगुलर फंक्शन देखोगे तो उसमें एक्स वाई जेड नहीं है ना, इसलिए इसलिए उसमें थीटा फाई नहीं आएगा। जो पीएक्स होगा, देखना जरा कितना सुंदर बात बता रहा हूँ, पीएक्स जो आता है उसके अगर आप एंगुलर फंक्शन को आप देखो तो पीएक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई आर। इसको px बोलते भी इसीलिए है क्योंकि इसका एंगुलर फंक्शन क्या है, x by r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। और x क्या है, r sin theta cos phi, बेटा यस और नो, डिवाइडेड बाय r। तो बेसिकली क्या होता है, जो px है, px का फंक्शन अगर आप किसी भी px का फंक्शन देखोगे तो उसमें क्या आएगा, sin theta एंड cos phi। तो ये बात समझ आई? बोलो, सो px विल बी थीटा एंड फाई डिपेंडेंट। ये बात समझ गए? अच्छा, जो सोच रहे थे ना तुम, अगर तुम ये तो सोच लेते कि थीटा फाई डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा, तो सेकंड क्वेश्चन ऐसा भी तो बन सकता है कि वो उसके कोसाइन पे डिपेंड करेगा या साइन पे डिपेंड करेगा। समझ गए? हाँ सर। तो वो तुम नहीं सोच पाते। पी वाई क्या आएगा, पी वाई आएगा बेटा वाई बाई आर, तो दिस विल बिकम साइन थीटा साइन फाई। आप पी वाई का अगर एंगुलर फंक्शन देखोगे तो आपको साइन थीटा साइन फाई मिलेगा। एंड पी जेड विल बी जेड बाई आर, सो दैट विल बी कॉस थीटा ओनली। तो अब अगर आप देखोगे तो एस ऑर्बिटल कैसा हो गया, थीटा फाई इंडिपेंडेंट, px क्या हो गया, थीटा फाई डिपेंडेंट, py क्या हो गया, थीटा फाई डिपेंडेंट, और pz क्या हो गया, थीटा डिपेंडेंट फाई इंडिपेंडेंट। बेटा ये बात समझ आ गई सबको? हाँ सर। अब देखो सिमिलरली व्हाट वी कैन राइट फॉर d ऑर्बिटल, सो दिस विल बी एक्स वाई वाई आर स्क्वायर, बिकॉज बेटा एक आर एक्स में आएगा एक आर वाई में आएगा, तो अब आर स्क्वायर डिवाइड करना पड़ेगा, तो डी एक्स वाई होगा एक्स वाई वाई आर स्क्वायर, वाई जेड वाई आर स्क्वायर, जेड एक्स वाई आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई आर स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर वाई आर स्क्वायर। ऐसे ही आना चाहिए? बोलो बोलो बेटा। आवाज आ रही है? यस सर। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स का फंक्शन क्या है, साइन थीटा कॉस फाई मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा साइन फाई। सो दिस फंक्शन विल बी साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन फाई इंटू कॉस फाई। बोलो, ये हो जाएगा साइन थीटा साइन फाई इंटू कॉस थीटा, बिकॉज जेड में तो सिर्फ कॉस थीटा आएगा। ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस फाई। ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। बोलो बेटा। और सुनो,
जेड स्क्वायर का ऐसा फंक्शन नहीं आता है, जेड स्क्वायर का याद रखना कोनिकल नोड आते हैं, तो डी जेड स्क्वायर आता है थ्री आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इसका फंक्शन कुछ ऐसा आता है, मतलब ये याद रख लेना, तो आ जाएगा थ्री आर स्क्वायर, ये कॉमन हो जाएगा, तो थ्री माइनस कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स है, समझ गए, बोलो, अरे बताओ भाई। हाँ सर। अब देखो जो डी एक्स वाई है ये थीटा फाई डिपेंडेंट हो गया, ये भी थीटा फाई डिपेंडेंट हो गया, ये भी थीटा फाई डिपेंडेंट हो गया, और ये भी थीटा फाई डिपेंडेंट हो गया, और ये सिर्फ क्या होगा थीटा डिपेंडेंट, थीटा डिपेंडेंट फाई इंडिपेंडेंट, तो बेसिकली बेटा इसमें अपने आंसर्स क्या क्या आएंगे, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल बताओ थीटा फाई बोथ इंडिपेंडेंट, क्लियर है, अपना आंसर क्या आएगा पी एक्स पी वाई डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो योर करेक्ट आंसर विल बी, करेक्ट आंसर विल बी सिक्स। बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे जेई में, जेई पिछले पांच साल में सोडिंगर से हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है, एक साल तो कॉम्प्रिहेंशन भी था, तो इसके क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इस सेक्शन को अच्छे से कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर टू समझो क्या है, आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल, साई टोटल दिया हुआ है, साई टोटल होता है साई रेडियल इंटू साई एंगुलर, मतलब बेसिकली दोनों का मल्टीप्लाई दिया हुआ है, एंड एक कॉन्स्टेंट है के, एक्सपोनेंशियल टर्म है आर टू दी पावर वन, आर माइनस अल्फा आर माइनस, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है बेसिकली थ्री डिग्री का, इसके तीनों रूट डिफरेंट है अल्फा बीटा गामा इंटू के वन इंटू कॉस थीटा। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑर्बिटल होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जेई में आ सकता है। ये देखो अब इसका इंपॉर्टेंस समझो, एंगुलर फंक्शन में सिर्फ क्या आया है, अगर एंगुलर फंक्शन में बेटा सिर्फ कॉस थीटा है इट मींस वो पक्का पक्का पीजेड है, बोलो, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप क्वेश्चन कर सकते हो, बिकॉज बेटा एंगुलर फंक्शन है, तो अगर 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 डी होता तो फिर ऐसे होता ना साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा समझ गए, कॉस थीटा देख के ये पक्का हो गया कि ये क्या है पी जेड, आप बोलोगे सर डी जेड स्क्वायर भी हो सकता, तो मैं बोलूंगा वहां बेटा स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये बात समझ गई, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। बेटा बताओ ये बात समझ आई। बोलो। हाँ सर। उसके बाद सुनो, रेडियल फंक्शन, जो रेडियल फंक्शन होता है ध्यान से सुनना, रेडियल फंक्शन ये होता है, किसी भी ऑर्बिटल का अगर आपको रेडियल फंक्शन लिखना है ना, तो आप ये मेरी बात याद रखना, अगर किसी भी फंक्शन का आपको रेडियल फंक्शन लिखना है तो आप ये याद रखना साई आर इज इक्वल टू के सम कांस्टेंट इनटू ए टू दी पावर आर बाई के डैश, एक एक्सपोनेंशियल टर्म होता है, और आर टू दी पावर एल, ठीक है, इनटू पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन डिग्री एन माइनस एल माइनस वन, और वो आर में होगी पॉलिनोमियल, ये रेडियल फंक्शन होता है। अब देखो ये हमेशा याद रखना आर टू दी पावर समथिंग होगा, मतलब अगर एस ऑर्बिटल है तो आर टू दी पावर जीरो, मतलब ये टर्म नहीं होगा फिर, और याद रखना ये जो रूट आएंगे ये जीरो और इन्फिनिटी के अलावा होंगे, और तीनों डिफरेंट जितने भी होंगे सब डिफरेंट होंगे, तो अब अगर आप देखो तो ये फंक्शन कहाँ जीरो होगा, इन्फिनिटी पे जीरो होगा, ये जीरो पे जीरो होगा,
और ये अल्फा बीटा गामा पे जीरो होंगे। क्लियर है बेटा इतनी बात, बोलो। हाँ सर। तो इसके सुनो जरा, इसके रेडियल नोड्स कितने होंगे? रेडियल नोड्स होते हैं आपकी जो जहां पे फंक्शन जीरो होगा, तो इसके रेडियल नोड होंगे तीन। और रेडियल नोड में इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड तो इन्फिनिटी और जीरो के अलावा वाले कंसीडर करते हैं। तो देखो बेटा एन माइनस एल माइनस वन कितना है? थ्री। और एल चूंकि पी है इसलिए एल क्या हो गया? वन। इसलिए एन माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, तो एन हो जाएगा फाइव। इसका मतलब दिस ऑर्बिटल विल बी पाई पी जेड। बेटा समझ आ गया? ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है? ऑर्डर ऑफ आर मैक्स। आर मैक्स होता है ओरिजिन से वो डिस्टेंस जहां पर टोटल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो आर मैक्स का मतलब समझ आया? एटम के ओरिजिन से वो डिस्टेंस जहां पर टोटल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होता है, तो बताओ आर मैक्स 4s का ज्यादा होगा या 4p का या 4d का या 4f का? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, नया है, आ सकता है एग्जाम में। श्रोडिंगर इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस, ठीक है? इसको अच्छे से कर लेना जो भी मार्केट में क्वेश्चंस अवेलेबल है। और अच्छा, आपको क्या करना है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। देखो बेटा कैसे इसको प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड कैसे करेंगे ये देखो। आर मैक्स मतलब रेडियल की बात करनी है हमें, ठीक है? देखो जरा, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ये जो आपका पूरा श्रोडिंगर इक्वेशन है ना, दिस इज बेस्ड ऑन 3-4 की पॉइंट्स, ठीक है? तो मैंने आपको एक की पॉइंट अभी तक बताया है सर, वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, उससे एंगुलर फंक्शन, और एक की पॉइंट बताया रेडियल फंक्शन लिखना, ठीक है? अब देखो जरा। अच्छा, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे देखो, इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के पहले कई बार बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स इन 4s ऑर्बिटल इफ नोड एट r इज इक्वल टू जीरो इज कंसीडर्ड। स्फेरिकल नोड होता है बेटा रेडियल नोड, नॉन स्फेरिकल नोड होता है एंगुलर नोड। तो कितने होते हैं नॉर्मली? एल माइनस वन। बट इसमें हम कौन से दो एक्सक्लूड करते हैं? हम दो एक्सक्लूड करके रखते हैं, जीरो और इंफिनिटी वन। बट अगर उसने बोला है कि उसको इंक्लूड करके बताओ, सो दिस विल बिकम एन माइनस एल एंड आंसर विल बी 4-0, सो योर आंसर विल बी 4। याद रखना, कई बार बोलता है कि इंफिनिटी वाले को भी इंक्लूड कर लो और जीरो वाले को तो प्लस टू कर देंगे। बेटा ये पॉइंट समझ आ गया? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्लियरली दिख रहा है, ये जो फंक्शन होगा बेटा, ये अल्फा बीटा गामा पर तो जीरो होगा ही, बिटवीन जीरो एंड इन्फिनिटी। तो ये तीन आइडियली ये तीन रेडियल नोड है। बट अगर स्पेसिफिकली वो बोले कि भाई जो आर इज इक्वल टू जीरो पे है वो भी आप बताओ, ठीक है? तो फिर जीरो पे भी होता है और इन्फिनिटी पे भी होता है। इन दोनों को कंसीडर नहीं करते हैं। अगर 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 इनको कंसीडर कर लेंगे तो दैट फॉर्मूला विल बिकम एन माइनस एल माइनस वन प्लस टू। होपफुली बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखो जरा आगे, जो फोर मैक्स जो आर मैक्स वाला क्वेश्चन था, देखो जरा। इफ वी विल टॉक अबाउट फोर एस तो देखो जरा, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा, उससे आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। एन आएगा आपका 4, एल आएगा आपका 0, तो एन माइनस एल माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे 3। इसका मतलब बेटा ये बताओ, इस फंक्शन का, इसका जो भी फंक्शन आएगा, 0 और इन्फिनिटी के अलावा टोटल प्रोबेबिलिटी तीन जगह 0 होगी। क्लियर है बात? इसका मैं क्या लिख सकता हूँ रेडियल फंक्शन 4s का?
सम कांस्टेंट के इनटू e टू दी पावर r बाय k डस इनटू r टू दी पावर 0 और पॉलीनोमियल के कितने रूट होंगे 3। तो ये बात समझ आ गई बोलो। हां सर। आपको कोई तकलीफ? So this will become k e to the power r by k dash into r minus alpha r minus beta into r minus gamma. Now we will observe this will be 0 at infinity e to the power minus x. This will be 0 at alpha, this will be 0 at beta and this will be 0 at gamma. Clear beta? अब देखो आप सभी लोग को मैथमेटिक्स आता है, आपको मालूम है अगर इसका आपको ग्राफ बनाना हो, ठीक है। अगर बेटा इसका ग्राफ बनाना हो तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, आपको 3-4-5 मिनट लगेंगे ही, आपका कितना भी मैथ्स स्टड हो, ठीक है। तो केमिस्ट्री के पेपर में आप प्लॉटिंग पे मत चले जाना कि आप इमोशनल होकर इसका कॉन्गिविटी चेक करने लगो, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव। आप अगर इसको बनाओगे तो इट विल टेक 4-5 मिनट्स, ठीक है। बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि मैंने सारे ग्राफ ऑब्जर्व करे हैं। तो देखो मैं आइडिया आपको क्या दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। अगर आपको साई आर वर्सेस आर अगर आपको प्लॉट करना है तो बेटा ये बताओ जीरो पे ये फंक्शन क्या होगा? डेफिनेटली नॉन जीरो, बिकॉज अल्फा बीटा गामा आर अदर देन जीरो इन्फिनिटी, दिस इज एट इन्फिनिटी। So definitely this function will be either positive or negative. I will start from positive, ठीक है? ये अपन standard मान लेते हैं कि we will start from positive. Otherwise it may be negative or it may be positive, ideally. But we will start it from positive, ठीक है? अब देखो जरा, मान लो ये यहाँ से start हो रहा है। अब इसको कितनी जगह, अब obviously बात है zero होना ही है इसको अल्फा पे। तो ये function actually में हमेशा continuous होता है, smooth होता है, कहीं पर भी ऐसे कितनी जगह कट करना है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया और फिर ये इन्फिनिटी पे जीरो हो गया। देखो बिल्कुल स्मूथ कर्व बनाया मैंने। और एक बात अगर आप ऑब्जर्व करोगे बाय कैलकुलेटिंग इट्स मिनिमा और इन ये जो हाइट अगर आप देखोगे तो इसमें हमेशा हमेशा किसी भी फंक्शन का आप हाइट बनाना, देखो ये हाइट एच वन है, ये हाइट एच टू है, ये हाइट एच थ्री है, ये हाइट एच फोर है। जेई क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बताओ जब ऑर्बिटल का आपको ये साई क्या होता है, एम्पलीट्यूड वर्सेस आर ग्राफ जब आपको मिलेगा तो जो हाइट होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। इट्स वेरी ऑब्वियस मैथमेटिकल बात है ये, आप चेक तो कर ही लोगे, बट यू कैन डायरेक्टली यूज दिस थिंग। देखो मैं हाइट क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ। अब देखो जरा, अगर मैं ये प्लॉट आर और साई स्क्वायर आर का बनाना चाहता हूं, मैं अगर साई स्क्वायर आर वर्सेस आर बनाना चाहता हूं तो बेटा ये कुछ ऐसा दिखेगा ना, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा। बेसिकली क्या होगा, जो नीचे ग्राफ है उसका मिरर इमेज ऊपर बना दो, एंड ये हाइट जब डिक्रीज हो रहा था तो इसका भी हाइट डिक्रीज होगा। हाँ सर, इतनी बात क्लियर है। और श्रोडिंगर इक्वेशन में जो साई होता है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, बात क्लियर है। और एम्पलीट्यूड कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, बट प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी पॉजिटिव नेगेटिव। तो हम डील करते हैं साई स्क्वायर को और उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्लियर है ये बात, इसको क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। लेकिन आप बोलोगे सर हम श्रोडिंगर इक्वेशन में तो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, आपने तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाली। तो आप देखो जरा एक और बात, अगर मेरे को अगर ये न्यूक्लियस है और ये आर रेडियस है, ठीक है, ये एक स्फीयर है। अब मेरे को अगर इस डी आर, मैंने डी आर बोलिया, दिस इज डी आर, मेरे को इस शेडेड एरिया में अगर प्रोबेबिलिटी लिखनी है टोटल, तो देखो जरा कितना शानदार तरीका है।
होगी क्या वो बताओ। अब समझो जरा एक बात और, अगर मैं साई स्क्वायर इंटू वी कर दूं तो टोटल प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। हाँ सर। बेटा ऐसा क्यों? जब हम मास की डेंसिटी में वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस वॉल्यूम में मास आ जाता है। यस सर। मास डेंसिटी इनटू मास की जो डेंसिटी है उसमें अगर हम वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मास आ जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी में अगर हम एरिया मल्टीप्लाई कर देते हैं जिसमें हमें पॉपुलेशन चाहिए तो वो टोटल पॉपुलेशन आ जाता है। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में किस स्पेस में आपको टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए वो अगर आपको पता लगानी है तो उस स्पेस का वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो। हाँ सर। क्लियर है बेटा ये बात? यस सर। तो नाउ व्हाट विल बी दिस डीवी? ये बताओ सरफेस एरिया कितना होता है इसका? 4 पाई आर स्क्वायर। और कितना रेडियस में चाहिए आपको डीआर? सो दिस विल बिकम डीवी। बेटा ये समझ आया सभी को? यस सर। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, देखो कैसे आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। यहां सॉल्व कर देता हूं, यहां देखो डीवी इज इक्वल टू 4/3 πr+dr का क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम हो गया आर प्लस डी आर रेडियस में, -4/3 πr³। तो ये शेडेड पोर्शन का वॉल्यूम आ जाएगा। वी कैन सॉल्व इट 4/3 π, और इसको जब ओपन करेंगे तो r³ + dr³ + 3r²dr - 3dr² × r - r³। बेटा यही आएगा, r³ से r³ कैंसिल, और dr इतना छोटा होता है कि dr³ dr² विल टेंड टू जीरो। बोलो बेटा dr वेरी स्मॉल है, अगर dr बहुत छोटा है तो dr² dr³ विल टेंड टू जीरो। सो नाउ दिस dv विल बिकम देखो 4/3 π इंटू ये वाला टर्म बचेगा dr वाला बस 3r² dr, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 4π r² × dr। सो बेसिकली दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दैट शेडेड पोर्शन। हाँ सर। बेटा ये समझ आ गया? अब देखना जरा, अब गेम देखना, अब गेम देखना। Now we want to plot psi square r into 4π r² versus r. कौन सा ग्राफ बनाना है? Psi square r into 4π r² versus r। बेटा इस ग्राफ के बनाने का फायदा पता क्या है? आपको शायद दिख गया होगा। देखो जरा, इसका पहले तो अपन ग्राफ बनाते हैं। अब बताओ आपको साई तो मैंने सिखा दिया क्या होगा हर एक ऑर्बिटल का। बोलो बेटा फोरस ऑर्बिटल आपको साई मालूम है, सो मैथमेटिकली वी कैन गेट साई स्क्वायर एज वेल, एंड उसमें एक फंक्शन और मल्टीप्लाई कर दो 4π r². तो बेसिकली अगर आप फोरस को देखो, फोरस का साई कहां कहां जीरो था बेटा? एक तो इन्फिनिटी पर, एक अल्फा पर, एक बीटा पर, एक गामा पर। अब बताओ साई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर कहां कहां पे जीरो होगा? एक आर स्क्वायर का फंक्शन और ऐड हो गया तो वो जीरो पे भी जीरो होने लगेगा। हाँ सर। नाउ द थिंग्स लाइक दिस, देखो थिंग्स विल बी लाइक दिस। देखो यहां दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, एंड लास्ट में तो इंफिनिटी होना ही। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, ये ग्राफ का अगर मान लो ये एरिया dr है, ये एरिया दिस डिस्टेंस इज dr, इफ दिस डिस्टेंस इज dr, देन बेटा इसका एरिया क्या आएगा बताओ? इसका जो एरिया आएगा इस ग्राफ का दैट विल बी y इनटू dx। बोलो बेटा। हाँ सर। सो दिस विल बिकम साई स्क्वायर आर इंटू 4π r² इंटू डी आर दिस एरिया, एंड दिस विल बिकम टोटल प्रोबेबिलिटी
total probability in that region? बोलो. Yes, sir. इसमें जो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, देखो इस वाले ग्राफ में हाइट इंक्रीज होता है. यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट इट बाई चेक, इसको चेक कर लो आप, इसका ग्लोबल मैक्सिमा कौन सा होगा और लोकल मैक्सिमा कौन सा होगा. तो आपको न्यूक्लियस से ज्यादा दूर तरफ आपको ग्लोबल मैक्सिमा मिलेगा. क्लियर है बात? तो अपन को क्या समझना है, बहुत आसान है ग्राफ बनाने है. तो टोटल प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं बेटा, रेडियल, रेडियल प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. और एक्चुअली मैं ये कर्व बनाने के लिए ही हमने वो दोनों कर्व बनाए थे बेटा. इतनी बात आप सबको समझ आ गई क्या? इतनी बात अगर समझ आ गई हो तो बताओ. हाँ, अब देखो जरा बेटा, यहां देखो आप, एक बात कंक्लूड करते हैं. जो 4s ऑर्बिटल था, 4s ऑर्बिटल देखना कितने कितने जल्दी ग्राफ बनेंगे. 4s ऑर्बिटल का आपने क्या निकाला, n माइनस l माइनस 1 कितना आया, 3. 4p का आपने क्या निकाला, n माइनस l माइनस 1 वो आएगा 2. 4d का आपने n माइनस l माइनस 1 वो 1 आएगा. 4f का n माइनस l माइनस 1 0 आएगा. ये बात क्लियर है बेटा? बोलो. और आर मैक्स वगैरह का मतलब क्या है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बनाना पड़ेगा. देखो दिस इज आर, क्लियर, एंड दिस इज साई स्क्वायर आर इंटू 4πr², बिकॉज हमसे टोटल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है ना. ये 4s के लिए, ये 4p के लिए, ये 4d के लिए, ये 4f के लिए. क्लियर है बेटा इतनी बार? अब देखो जरा कितना आसान होगा. ये देखो, ये थर्ड वाला ग्राफ है टोटल प्रोबेबिलिटी रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. ये तीसरा वाला ग्राफ बनाना है आपको जिसमें हाइट इंक्रीज होती है और साइज पर इंटू आर स्क्वायर डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर होगा. देखो जरा, 1, 2, 3 और 4, तो ये आ जाएगा. बोलो, ये ग्राफ आएगा, सबको दिखा. उसके बाद 4p का क्या आएगा, 1, 2, 3. इसके दो रेडियल नोड है ना. क्लियर बेटा? ये 4d का क्या होगा, 1. 4f का क्या होगा बेटा, समझ आया? नाउ व्हाट इज आर मैक्स? दिस इज आर मैक्स फॉर 4s, दिस वन इज आर मैक्स फॉर 4p, एंड दिस विल बी आर मैक्स फॉर 4d, and this is our next form, 4f. बेटा ये समझ आ गया सभी को? तो आंसर क्या आएगा, देखो देखो जरा, r max का जो ऑर्डर आएगा वो होगा 4s, then 4p, then 4d, then 4f. मतलब होता क्या है देखो, r max is directly proportional to m, एंड आर मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल. बट ये तब लगाना है जब एन सेम हो. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा. अब देखो जरा, अब मोस्टली इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो आप सही कर लोगे. इसी पे बेस्ट क्वेश्चन आता है, रेडियल नोट कहाँ होंगे, साई आर को जीरो कर देना है ना. अब देखो जरा एक और इसमें लास्ट बार, तो यहां देखो साई आर वर्सेस आर जो ग्राफ होगा, साई आर वर्सेस आर जो ग्राफ होगा वो बेटा 2p 3d
4f 5g 6h का सेम होगा, ये बात सही है? मतलब जो नेचर होगा ग्राफ का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वैल्यूज एंड कॉन्स्टेंट, बट द नेचर ऑफ कर्व, नेचर ऑफ कर्व विल बी सेम। बोलो बेटा। बेटा सही बात है ना ये? अरे सर आप n माइनस l माइनस 1 सेम है इसलिए कह रहे हैं ना? हाँ। और सुनो, सब में r टू दी पावर समथिंग होगा, r टू दी पावर 1 होगा, यहाँ r टू दी पावर 2 होगा, r टू दी पावर 3, मतलब 0 पे भी 0 होगा। मैंने यहाँ पे s क्यों नहीं लिखा, 1s? बोलो। और 1s दिस ग्राफ विल बी डिफरेंट, ये बात समझ गए बेटा? बोलो। 1s में वो r टू दी पावर 0 हो जाएगा ना, तो 0 पे 0 नहीं होगा। हाँ सर। दूसरा, साई स्क्वायर r वर्सेस r, जो ग्राफ का नेचर होगा वो यही होगा, एग्जैक्टली इन्हीं का सेम होगा। ग्राफ विल बी डिफरेंट, बोलो बेटा समझ आ गया ये? थर्ड, साई स्क्वायर आर इंटू 4πr² वर्सेस आर ग्राफ 1s 2p 3d 4f 5d 5g 6h इन सबका सेम होगा। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि अब इसमें क्या मल्टीप्लाई हो गया, आर स्क्वायर, तो अब एस वाले का भी ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 पे 0। ग्राफ का नेचर क्या होगा, सेम। बेटा ये तीनों बातें समझ आ गई? बेटा ये तीनों बातें समझ आ गई? हाँ सर। हाँ सर। परफेक्ट। तो अब आई गेस कोई भी और बेटा ला जाए, बेटा उसका आप ग्राफ प्लॉट कर दोगे कोई सा भी, बहुत ही, एन माइनस एल माइनस 1 निकालो, एन माइनस एल माइनस 1, और उतनी जगह टच करा दो, बाकी ऊपर जाते जाओ, थर्ड में हाइट बढ़ाते जाना। इस ग्राफ में हाइट बढ़ेगा, इस ग्राफ में हाइट घटेगा, इसमें भी हाइट डिक्रीज होगा, तो इस तरीके से आप सॉर्टिंग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी कंपाउंड्स इज ऑन वाइट कलर्ड पीपीटी?
ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है. आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी कंपाउंड्स इज आर व्हाइट कलर्ड पीपीटी. एक है मर्क्यूरस कार्बोनेट, सिल्वर कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस ये है आपको बेसिक कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स है. ये पीपीटी होते हैं, ये इंफॉर्मेशन गिवेन है, जो गिवेन है वो पीपीटी है. ठीक है, तो बताना है कि इनमें से कितने व्हाइट कलर के हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी कंपाउंड्स आर व्हाइट कलर्ड पीपीटी. बताओ जरा आंसर क्या है. अपन के दिमाग में हमेशा रहती है मोस्टली मोस्टली जो कार्बोनेट पीपीटी होते हैं उनका जो कलर होता है वो व्हाइट होता है मोस्टली. ठीक है, और मोस्टली जो थायोसल्फेट्स हैं, सल्फेट्स हैं, ठीक है, सल्फाइड्स हैं, ऑक्सलेट हैं, ये सब भी व्हाइट ही होते हैं. अगर आप बहुत सारे प्रेसिपिटेट देखो तो ये सब एक्चुअली में आपको व्हाइट होते हैं. जैसे जैसे सल्फाइड्स क्या होते हैं, सल्फाइड्स, सल्फाइड का कलर होता है ब्लैक. तो अब अभी जय ने 15 या 14 में एक क्वेश्चन पूछा था कि आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी कंपाउंड्स आर ब्लैक इन कलर्ड, और उसमें 10 सल्फाइड दिए थे. तो मोस्टली तो ब्लैक होता है, बट वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं जो अदर देन कॉमन हो. तो इसी में ऑल आर कार्बोनेट, इसमें ऑल आर कार्बोनेट, देखो क्वेश्चन देखो आप, ऑल आर कार्बोनेट. और अब इन कार्बोनेट में ऑब्वियस सी बात है व्हाइट तो होंगे ही मोस्टली, बट कुछ मेटल की वजह से भी कलर आ सकता है ना. दिस इज मेलाकाइट ग्रीन, ये आपने सुना होगा. This is malachite green. Clear? तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हर सेक्शन में. देखो जब सल्फाइड का जेई में पूछा जा सकता है तो कार्बोनेट का क्यों नहीं पूछेगा. और उसने पता वो सल्फाइड क्या पूछा था जो एक्चुअली में अपने सिलेबस में है. तो ये रिएक्शन अपने सिलेबस में है. अभी बताऊंगा एक बहुत शानदार रिएक्शन होती है कार्बोनेट की, वो अभी डिस्कस करूंगा. तो अभी आपको आइडिया लगा. आप देखो जिंक 3D10 होता है, मैग्नीशियम में कोई इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, कॉमन सेंस. लेड में भी ऐसा कुछ खास होता नहीं है. थोड़ा बहुत जो कलर आता है वो एजी, एजी का जो अगर आप कलर देखोगे, तुम्हारा जो आंसर 6 आपने बोला है बेटा गलत है. देखो जेडली में समझो, मैं लिख दे रहा हूं जो दिया हुआ है बेटा. यहां देखो ये आपको याद होने चाहिए, ये होता है आपका येलो, और जब ये येलो पीपीटी होगा तो व्हाइट में तो कंसीडर करेंगे नहीं. ये होता है बेटा येलोइश व्हाइट पीपीटी, येलोइश व्हाइट पीपीटी. अब समझो जरा ध्यान से, शायद बेटा आपने इसको काउंट नहीं करा येलोइश व्हाइट वाले को. आपको सिल्वर का क्या पता था, सिल्वर का क्या पता था आपको बेटा? सर वो उसके सॉल्ट से वाइट येलो नॉर्मली होता है, AgCl, AgBr अगर कंसीडर करें. नहीं नहीं वैसा ये बिल्कुल बेकार है. देखो ये होता है वाइट, वाइट है तब तो सोचना ही नहीं है. ये भी वाइट, ये भी वाइट, ठीक है. ये होगा ग्रीन. इसका जो कलर होता है, देखो गड़बड़ किसमें है, सिल्वर और मरकरी वालों में, सिल्वर और मरकरी वालों में गड़बड़ है. ये होता है बेटा रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन. और ये आपका जिंक है तो व्हाइट है, ये भी आपका व्हाइट होता है और ये भी आपका व्हाइट होता है. अब सुनो जरा, देखो जरा, ये मैंने जो आपको कलर लिखवाए हैं ये जेडली में दिए हुए हैं. अब समझो जरा ध्यान से, जे इसका आंसर पता क्या देगा, जे इसका आंसर देगा फर्स्ट टाइम में 7. जे इसका आंसर कितना देगा बेटा, फर्स्ट टाइम में इसका आंसर 7 देगा.
बिकॉज येलो इज व्हाइट का मतलब होता है व्हाइट पीपीटी, या येलो होता तो लिखा होता ना येलो पीपीटी या लाइट येलो पीपीटी। जेडली में लिखा है येलो इज व्हाइट, मतलब व्हाइट है उसमें हल्का सा येलो कलर है, मतलब डोमिनेटिंग कलर येलो नहीं। आप समझो इसको आप पेल येलो पीपीटी नहीं बोल सकते हो। पेल येलो पीपीटी का मतलब होता है कि प्रीडोमिनेंट दैट इज येलो, समझो दो डिफरेंस है। जेडली में लिखा हुआ है येलो इज व्हाइट पीपीटी, इट मीन्स वी विल कंसिडर इट इन व्हाइट, बट फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चे इसमें अपनी क्वेरी रेज करेंगे कि ये आंसर गलत है, आंसर करेक्शन के लिए। देन देयर इज अ लिटिल चांसेस कि जय इसका आंसर 6B कर सकता है। बट आपको ये समझ आया 7 वो क्यों देगा, बिकॉज वो इसको क्या कंसीडर करेगा व्हाइट, जैसे पिंक इज व्हाइट, ग्रीन इज व्हाइट, येलो इज व्हाइट, ये सब व्हाइट ही है बट उनमें हल्का सा थोड़ा सा कलर आ जाएगा येलो। This is not pale yellow PPT, आप समझो बेटा, ये बात समझ आई। अब देखो जरा ये मैंने क्यों पूछे आपसे, यही मैंने क्यों दिए, ये अब देखो जरा एक इम्पोर्टेंट बात। अगर कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन है, ध्यान से देखना बेटा, और इससे पता आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता लगेगा कि ऐसे बहुत अजीब नहीं होता है सर। इसमें अगर हमने किसी मेटल आयन में इसको डाल दिया, अच्छा ये तो अपन को मालूम ही है क्या कि जो कार्बोनेट्स होते हैं वो आपके मोस्टली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ऑल कार्बोनेट्स आर वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट अमोनियम एंड फर्स्ट ए मेटल कार्बोनेट। ये बात को मालूम है, बोलो। हाँ सर, आपने मेरा वो प्रेसिपिटेशन वाला लेक्चर देखा होगा जैसे मैंने 12 पॉइंट्स लिए थे, उनमें कार्बोनेट के बारे में मैंने ये बात बोली थी, क्लियर है। तो अब अगर मेटल आयन आपने डाला तो प्रेसिपिटेट बनेगा बिकॉज मोस्टली इनसॉल्युबल है। तो हमेशा याद रखना बेटा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, देखना जरा ध्यान से, लेड नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन प्लस Na2CO3 एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें अगर आपको बोला जाए कि एक व्हाइट पीपीटी बन रहा है, व्हाइट पीपीटी बन रहा है, ये गिवन है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ दैट व्हाइट पीपीटी, तो यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। बताओ क्या होगा आंसर, ये जो व्हाइट पीपीटी है ये क्या होगा, इसका कंपोजिशन क्या होगा, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, ये बताओ। देखो जरा, कार्बोनेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें आपको मालूम है कि कार्बोनेट आयन तो हो गई, बाइकार्बोनेट भी होगा और हाइड्रोक्साइड आयन भी होगा, ठीक है, तो ये तीनों एनायन होंगे, क्लियर होते इतनी बात। अब देखो प्रेसिपिटेशन है जस्ट अबाउट कि भाई प्रेसिपिटेशन कब होगा, जब आपका QSP ग्रेटर देन PSP हो जाए, और आप क्या कर रहे हो उसमें मेटल आयन डाल रहे हो, तो मेटल आयन में कितनी पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारी, हो सकता मेटल कार्बोनेट का पीपीटी हो जाए, हो सकता मेटल बाइकार्बोनेट, तो याद रखना बाइकार्बोनेट के पीपीटी नहीं बनते, ठीक है, बट मेटल हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, प्लस दोनों मिक्स भी हो सकते हैं, मतलब ये पीपीटी ये दोनों बनाते हैं, ठीक है, जब ये दोनों पीपीटी बनाते हैं तो वी हैव 3 ऑप्शंस, या तो कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड या फिर बेसिक कार्बोनेट कि भाई हाइड्रोक्साइड एंड ये दोनों। इसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है, देखो कैटेगरी ए जब बेसिक कार्बोनेट होता है, जो बेसिक कार्बोनेट होता है, कैटेगरी बी क्या होगा,
कैटेगरी बी होगा, ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोक्साइड, पीपीटी ऑफ हाइड्रोक्साइड। तीसरा कैटेगरी क्या होगा? नॉर्मल कार्बोनेट। क्लियर बेटा? और मोस्टली तो कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होगा? कार्बोनेट का, तो कार्बोनेट का ही पीपीटी होगा। बट पांच मेटल होते हैं जिसमें ये होता है, तीन मेटल होते हैं जिसमें ये होता है, रेस्ट ऑल इन अदर मेटल्स हमेशा कार्बोनेट का पीपीटी होगा। तो देखो बेटा इसमें पांच मेटल कौन से होते हैं? पीबी, जेडन, सीयू, एमजी एंड एचजी। देखो सारे टू प्लस हैं। इसको याद रखने का तरीका क्या है? पंडित, जानकी दास, पंडित जानकी दास, कॉपर या कुत्ता, मांगे, होंगे, या पंडित जानकी दास कॉपर मांगे होंगे। तो देखो सारे के सारे टू प्लस हैं। इन पांच में बेटा जो केएसपी होता है कार्बोनेट का, उससे कम केएसपी किसका होता है? बेसिक कार्बोनेट का। इसलिए जो प्रेसिपिटेशन है, ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि इन में किसका होगा? बेसिक कार्बोनेट का पीपीटी होगा। बेसिक कार्बोनेट पीपीटी। और बेटा तीन मेटल्स ऐसे होते हैं, तीन मेटल्स होते हैं थ्री प्लस वाले, उनको याद करने का तरीका है फेंक कर आलू, फेंक कर आलू, फेंक कर आलू, एफ ई सी आर एल। इसमें तीनों थ्री प्लस वाले हैं। इनके हाइड्रोक्साइड का केएसपी बहुत कम होता है, हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन यहाँ पर जबरदस्त होता है। तो ये पांच हो गए बेसिक कार्बोनेट, ये तीन हो गए हाइड्रोक्साइड, और इसके अलावा रेस्ट ऑल अदर है ना, एक्सेप्ट कैटेगरी ए एंड बी, सब में आपका कार्बोनेट का प्रॉपर्टी बनेगा। तो अब देखो जरा, अगर यहां पूछा जाता आपसे तो पंडित जानकी दास कॉपर मांगे हैं, यहां क्या आएगा? PbCO3.PbOH2। और देखो यहाँ पे एक नंबर होगा, एक यहाँ नंबर होगा, वो नंबर आपको याद करने की डायरेक्टली जरूरत नहीं है। तो व्हाइटनर में बताओ क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? एक्स। व्हाइटनर में देख के बताओ एक्स क्या है? अरे अभी पीपीटी लिखा था ना मैंने, एक्स वन और वाई टू, नहीं सॉरी वाई वन एक्स टू, वाई वन होगा और एक्स टू होगा, ठीक है ये बेटा। बट मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, क्लियरली बोल रहा हूँ कि व्हाइटनर का पता हो तो ठीक है, बट आपको मोस्टली सबके याद नहीं करने हैं, ठीक है ना? बोलो। यहां देखो बेटा, तो लेड वाले में क्या बन रहा है? पीवी ओएच होल ट्वाइस डॉट टू पीवी सीओ थ्री, चेक करो जरा, यही है। लेड वाले में ये बन जाएगा, बोलो। हाँ सर, यही खुला है ना, ठीक है। अब देखो इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात थी नोटिस करने वाली, जो एच जी में ये बन रहा है HgCO3.3HgO, और ये रेडिस ब्राउन पीपीटी था,
रेड इज ब्राउन। एक बात याद रखना बेटा, मरकरी और सिल्वर का कभी हाइड्रोक्साइड मत प्रेसिपिटेट बनाना, वो बेसिक कार्बोनेट ही है ये, लेकिन इसका बेसिक कंपोनेंट क्या है? ऑक्साइड। इसका बेसिक कंपोनेंट क्या है? ऑक्साइड। इसका बेसिक कंपोनेंट क्या है? हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली मैग्नीशियम वगैरह का मैंने आपको शेयर कर दी, आप समझ आ गए होंगे। मोस्टली जो कार्बोनेट होंगे, और सुनो मरकरी में कंफ्यूज मत होना, प्लस टू वाले में बेसिक कार्बोनेट बनता है और प्लस वन वाले में कार्बोनेट बनता है। क्लियर है बेटा ये बात? ये बात सबको समझ आ गई? तो Pb2+, Zn2+, Cu2+, Mg2+, Hg2+ इनमें बनेगा बेसिक कार्बोनेट, फेंककर आलू में बनेगा हाइड्रोक्साइड, और बाकी सारे केसेस में बनेगा कार्बोनेट का पीपीटी। हाँ, बट किसका पीपीटी बनता ही नहीं है? फर्स्ट एंड अमोनियम का। तो अमोनियम और कार्बन, अमोनियम एंड एल्कली मेटल का तो पीपीटी ही नहीं होता है, तो उनके अलावा फिर कोई भी मेटल होगा सबका प्रेसिपिटेट बनेगा। जैसे निकल है, तो निकल का क्या बनेगा? NiCO3, क्योंकि निकल यहाँ नहीं है, तो जब जो यहाँ नहीं है उसका कार्बोनेट का बनेगा। अब देखो इसमें एक और एक्स्ट्रा एडिशन, अगर इसकी जगह बाइकार्बोनेट आयन सॉल्यूशन होता, तो अगर बेटा बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन होता तो ध्यान से सुनो, अब सॉल्यूशन में कार्बोनेट आयन भी होगा, हाइड्रोक्साइड आयन H+ भी होगा, है ना, और OH- भी होगा। लेकिन याद रखना बाइकार्बोनेट आयन में H+ की अवेलेबिलिटी की वजह से हाइड्रोक्साइड आयन बहुत लिमिटेड हो जाता है, या फिर आप ऐसे बोलो दिस इज अ एसिडिक सॉल्ट, तो ये बेस को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आप किसी भी कैटेगरी का हो, समझना जरा ध्यान से, इसमें क्या बना था ये, अब ये इस बेस के इस कंपोनेंट को क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय। एंड किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, ये इससे पार्ट रिमूव हो जाएगा तो कार्बोनेट का पीपीटी बनेगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि इवन इन केस ऑफ दीज 5, इवन इन केस ऑफ दीज 3 और रेस्ट में तो था ही, सब में कार्बोनेट का पीपीटी बनेगा अगर आप बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन लोगे तो। देखो जब आपने कार्बोनेट लिया तो ये बना, बाइकार्बोनेट लोगे तो सब में कार्बोनेट बनेगा। ये बात आप याद रखना, क्योंकि बाइकार्बोनेट का पीपीटी नहीं बनता है,